तो आकांक्षा, ये तो हुआ पेपर सॉल्विंग की बात, जो आपका एक्सपीरियंस रहा। पोस्ट पेपर कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा हुआ क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, कुछ जो एक दो कॉन्ट्रोवर्सी थे उसको छोड़ के। एंड देन आई मैथ्स भी आंसर की, तो मतलब अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो एक में 710 थे, एक में 720, तो एम्स वाज सिक्योर्ड जो टारगेट था। तो उसके बाद से तो लाइक आई एंजॉयड लाइक एनीथिंग 2 महीने। एंड देन जब रिजल्ट आया उसके बाद तो अलग ही था, दैट आई कैन एक्सप्रेस इन वर्ड्स। बट या लाइक पार्टीज एंड फिर तो लाइक रुका नहीं है, एक हफ्ते तक सिर्फ पार्टी पार्टी पार्टी। तो मतलब कभी आपने एक्सपेक्ट भी किया था ये 2 साल में कि कभी आगे जाकर 720 ऑन 720 आएगा? सोचा भी नहीं था, लाइक सपनों में भी कभी नहीं सोचा होगा, लाइक फर्स्ट आने का भी या सेकंड ये सब भी कभी सोचा नहीं था। बस इतना था कि टॉप 50 में आ जाए, सो दैट आई गेट इनटू एम्स, यही सोचा था। ये होगा ये तो लाइक बहुत बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस हुआ है, एंड वी आर सो हैप्पी फॉर दैट। और एक और बात, आपकी भी 720 है, जो AR1 आया है शोएब अफ्ताब, उसके भी 720 है, तो आपको इस चीज का क्या बुरा लगा है? एक्चुअली लिटरली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू एम्स में आना वो थी टारगेट, नाउ आई एम हियर, सो बिल्कुल भी मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वही आप रैंक को लेकर ज्यादा मन में नहीं रह गए, क्योंकि दैट्स वेरी गुड अपॉन यू। और अभी आप जो एम्स में आ गए हो, वो एक्सपीरियंस कैसा था कि आप एम्स में पहुंचे हो, वो स्टार्टिंग से अब तक का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? लाइक ऑसम, लाइक जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एम्स की कॉलेज लाइफ ऐसी होगी, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक तो सीनियर्स यहाँ पे लिटरली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और लाइक अभी हमारे एंड सेम है और प्रिपरेशन हमने एक हफ्ते पहले स्टार्ट करी है, और अभी कुछ नहीं आता है, और लाइक वी स्टार्टेड 1 वीक बिफोर और जीरो से लाइक वी बिल्ड। एंड वहाँ पे सिर्फ सीनियर्स हेल्प करते हैं, लाइक वो सारा बता देते हैं, इसको इतना पढ़ो, पढ़ा भी देते हैं वो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे, एवरीवन इज सो सपोर्टिव। उसके अलावा लाइक देयर आर सो मेनी पार्टीज जो यहाँ पे होती रहती हैं, लाइक नॉर्मल है यहाँ पे। तो अभी हमारी फ्रेशर्स हुई थी, जो लाइक राउंड द क्लॉक म्यूजिक राउंड द क्लॉक चलता है, तो उसमें मैं रात भर आई डांस आई लिटरली, तो वो भी एक अलग फन पार्ट होता है। और हम घूमते हैं, लाइक बहुत घूमते हैं, तो एम्स में जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इतना होता है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड पढ़ाई तो लाइक एक हफ्ते पहले शुरू होती है एग्जाम के, बाकी टाइम सिर्फ मस्ती होती है। तो डेली आकर कहाँ कहाँ घूमे? लाइक काफ़ी जगह हम घूम लिए, लाइक यहाँ पे पार्क है, तो आई वेंट टू डियर पार्क, देन वी वेंट टू अक्षरधाम एंड And one more thing I noted, freshers आपकी हो चुकी है, तो freshers का कैसा experience रहा? Like it was awesome. Like सबसे पहले तो like you had to do like dance and couple dance and all that. And उसके बाद से MRC start होती है, तो वो best part था. Like रात में 1 बजे शुरू होती है एंड सुबह 6-7 बजे तक चलती है, तो just dance continuously. तो उसमें तो बहुत मज़ा आया, और उसके 2 दिन तक मैं सोती रही हूँ, सिर्फ सोई हूँ मैं। तो बहुत fun था। तो for all those who are watching, MRC is music round the clock. तो वहाँ dance होता है। और एक चीज़ जो कि अभी फ्रेशर्स हो गया है, तो अभी आपके एग्जाम टाइम है, तो यहाँ का एग्जाम टाइम और जो आप एक एस्पिरेंट थे, उसमें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक तो यहाँ पे क्या है कि मतलब जब वो एक फेज था ना, तो तब मतलब एक टेंशन अलग ही होती थी कि नहीं हुआ होगा, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लाइक पास तो हो जाएंगे इतना पता है, और उतना ही चाहिए होता है कॉलेज में, और बाकी जितना आप पढ़ लो आपके ऊपर है। एंड दूसरा ये भी है, यहाँ पे लाइक लाइब्रेरी है, यहाँ की बीबी दीक्षित लाइब्रेरी, आई लिटरली लाइक लव दैट प्लेस, बहुत ही सही है। तो मैं मतलब रात में मैं उधर ही रुकती हूँ, पूरा दिन मैं वहीं पर पढ़ती हूँ, तो वहाँ पे सारे पढ़ भी रहते हो, तो काफ़ी एक अच्छा इन्वायरमेंट भी है वहाँ पे। फिर सेंट्रल लॉन एंड ऑल दैट गार्डन, वो भी कितना सही है, तो लाइक मन नहीं करा पढ़ने का तो गो एंड वॉक, तो बहुत सही इन्वायरमेंट है पढ़ने के लिए भी, बहुत अच्छा है। In all, you enjoyed AIIMS का campus, मतलब काफी ज़्यादा सही लगा आपको। और एक थिंग जो मैंने नोटिस किया आपकी बातों से, आपको ये चीज फैक्टर हिट कर रहा है कि नीट का जो लेवल है एग्जाम का, वो गिरता जा रहा है, तो क्या आपको लग रहा है ये एक फैक्टर आ सकता है एज अ प्रॉब्लमेटिक फैक्टर आगे जाकर? लाइक पेपर अगर एक अच्छे लेवल पे होता है तो सही से स्टूडेंट्स फिल्टर होते हैं, ऐसे कई स्टूडेंट जो मतलब डिजर्व करते हैं उनका रह जाता है। एंड एम्स इज सच इंस्टीट्यूट जहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि रिसर्च भी होता है, एंड यू नो इट, तो उसके लिए लाइक जितने अच्छे स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे तो दैट्स अ बेटर थिंग। तो वो एक थोड़ा है नेगेटिव में इफेक्ट, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए सही भी है, इफ़ यू डू हार्ड वर्क तो यू विल बी सेलेक्टेड इन द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। तो प्रोज एंड कॉन्स तो है। आप रिसर्च वर्क में इंटरेस्टेड हो, आगे जाके आप सोच रहे हो कि रिसर्च में कुछ करना है? हाँ मतलब ऐसा टारगेट तो है कि लाइक आई हैव टू डू समथिंग इन रिसर्च फील्ड, एंड एम्स विल गिव यू अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। So, concluding our session, one thing I like to ask Akansha, एक कोई main चीज जो आप aspirants को बताना चाहोगे कि एक मतलब एक key takeaway point जो aspirants को आप एक one liner जो आप aspirants को देना चाहोगे? Like do hard work along with smart work. I always say that. Like I've seen many students जो सिर्फ like करते रहते हैं, पढ़ते जाते हैं, but क्या पढ़ रहे हैं उस चीज़ का एक track नहीं रखते। कुछ हैं जो सिर्फ strategy बनाते रहते हैं, but they don't study. तो दोनों का एक perfect balance होना चाहिए।
सो दैट्स अ वेरी गुड मैसेज दैट आकांक्षा गेव अस कि सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना होता है कि स्मार्ट वर्क भी करना होता है बिकॉज एज अ डॉक्टर यू विल नीड टू वर्क स्मार्टली. तो थैंक यू आकांक्षा फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस एंड गिविंग योर वैल्यूएबल इनपुट्स एंड हियर वी साइन ऑफ. थैंक यू सो मच.